दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय सात। दानियल अध्याय सात। बाबुल के राजा बेलशच्चर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जीव जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जानवर सिंह के समान था और उसके उकाब के से पंख थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जीव देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसुली थी और लोग उससे कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु जीव जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पंख है और उस जंतु के चार सिर है और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थी जीव है और उसके लोहे के बड़े बड़े दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वह पहले सब जानवरों से भिन्न है और उसके दस सिंह है। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और इसके बल से उन पहले सिंहों में से तीन उखाड़े गए। फिर मैंने क्या देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ जिसका वस्त्र हिम सा उजल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे है। उसका सिंहासन अग्निमय और इसके पहले धधकती हुई आग के से देख पड़ते हैं। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही है। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर हैं। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जानवर घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा की और अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग आसपास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बता दिया कि उन चार बड़े बड़े जानवरों का अर्थ चार राज्य है जो पृथ्वी पर उदय हो गए, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उनके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जानवर का भेद भी जान लूं, जो और तीनों से भिन्न
और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचहुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर के 10 सिंगों का भेद और जिस ओर सिंग के निकलने से 3 सिंग गिर गए, अर्थात जिस सिंग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सिंगों से अधिक भयंकर था, उनके भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के सब लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जानवर का अर्थ एक और चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों में भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव दाव कर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे और न्यायी बैठेंगे। तब उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य तो सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन तो मैं अब तक कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और मैं इस बात को अपने मन में रखे रहा।